तख्तबई जी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बुद्धिस्ट साइट मरदान में एक वाकया है ये, और पूरे पाकिस्तान में 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें 2 खैबर पख्तूनख्वा में है, एक जिसमें एक तख्तबई है और एक खानपुर में जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तख्तबई की यूनिक इम्पोर्टेंस की वजह से पूरी दुनिया में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा 1980 में यूनेस्को ने दिया। यूनेस्को जब किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा देती है, इसका मतलब है कि दुनिया में इसका कोई दूसरा सानी नहीं होता, और इसकी अपनी यूनिक इम्पोर्टेंस है आर्किटेक्चर के लिहाज से, मजहबी हवाले से या तारीख के लिहाज से। तख्तबई की भी यही सूरत हाल है, 700 साल तकरीबन ये रहा एक लिविंग मोनूमेंट रहा, 700 साल तक ये इबादतगाह रही बुद्धिज़्म में, जिसमें डिफरेंट सेक्ट्स इसमें इबादत करते थे, रहते थे। यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते थे, खासकर बुद्धिस्ट वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते थे, यहाँ पे बुद्धिस्ट सूत्रास सीखने के लिए। अभी भी पूरी दुनिया में जो है तख्तबई की बहुत इम्पोर्टेंस है, पूरी दुनिया से बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट इलाके से जो लोग आते हैं टूरिस्ट, तो सबसे पहले तख्तबई का रुख करते हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में द मोस्ट विजिटेड साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट की सबसे ज़्यादा तादाद जाती है किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट पर, वो तख्तबई है। इसके अलावा जो पेशावर म्यूज़ियम में स्कल्पचर्स पड़े हैं, एंटीक्विटीज़ पड़ी हैं, उसमें 50% से ज़्यादा जो है वो तख्तबई और सरी बेलोर के इलाके से आई है।